हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिलोसिया प्लांट की ग्रोइंग के बारे में कुछ बातें शेयर करूंगी कि इनको कितने इजी तरीके से हम घर पर ही ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, तो हम इसे किसी भी मिट्टी में उगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ प्लांट अपने सीडलिंग से लगाए हैं और कुछ प्लांट मैंने अपने कटिंग से लगाए हैं। मेरा ये जो प्लांट है ये कटिंग का प्लांट है, ये काफ़ी पुराना है, और जो यहाँ पे आपको छोटे पॉट में दिख रहे हैं ये सारे के सारे सीडलिंग से लगाए हुए हैं। और अब इनमें जैसे जैसे सर्दी आ रही है तो फूल भी आने लग गए हैं। इन प्लांट्स को मैंने कई पॉट्स में लगाए हैं, कुछ 8 इंच के हैं तो कुछ 6 इंच के हैं। इनकी ग्रोथ इन सब में काफ़ी अच्छी तरीके से हो रही है, और इन प्लांट को किसी भी तरीके की मिट्टी में लगा सकते हैं। अगर हम इनको पॉट में लगा रहे हैं तो इनकी मिट्टी सिर्फ वेल ड्रेन होनी चाहिए, और अगर ज़मीन में लगाते हैं तो इतनी और भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़मीन से इनको सब कुछ मिलता रहता है। बस समय समय पर इसमें अच्छी फर्टिलाइज़र देते रहना चाहिए। मैं तो काऊ डंग का यूज़ करती हूँ, इससे ये काफ़ी हरे भरे रहते हैं। तो इन प्लांटों को हम कई नामों से भी बोलते हैं, जैसे हम इसको सिलोसिया तो बोलते ही हैं, और इसके साथ साथ कॉप्सकॉम भी बोलते हैं। और जैसे कि मुर्गे की कलगी होती है तो इसमें ये फूल ऐसे आए हुए हैं, तो इसको मुर्गा कलगी भी बोलते हैं, तो कई नामों से जानते हैं। दूसरा, इस प्लांट को काफ़ी धूप की ज़रूरत होती है, पर ठंड आने पे ही इसमें फ्लावरिंग होती है, और इसके पत्तों का रंग भी देखिए बिल्कुल हरा हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये मेरे पास कई तरीके के कलर के प्लांट्स हैं, देखिए हर प्लांट में अलग अलग रंग का फूल आया हुआ है, किसी में येलो है, किसी में ये ऑरेंज कलर का है, तो ये किसी में रानी कलर का है। और इन्हीं रंग बिरंगे फूलों से मेरी बगिया भी रंग बिरंगी दिखाई देती है। और फ्रेंड्स, इन प्लांटों में पानी बहुत ही कम देना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पानी देंगे तो एक तो इनकी जड़ों में फंगस लग जाती है, और दूसरा इसके फूल ना तो पूरे खिल पाते हैं, इसलिए इनकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, जो कि गमले में पानी ना ठहरे और इनकी जड़ों को कोई नुकसान ना हो और ये अच्छे से फूल खिल पाए। और आपको एक और बात बता दूं कि आप इन्हीं फूलों से बीज भी तैयार कर सकते हैं और उनसे अलग प्लांट भी लगा सकते हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ, इन्हीं के बीजों का यूज़ करके मैं न्यू प्लांट ग्रो करती हूँ हर बार। और रही बात कटिंग की, तो इस प्लांट को कटिंग से भी काफ़ी इजी वे से हम घर पे लगा सकते हैं। अब बात आई इनमें छोटे छोटे कीड़े लगने की, मिनी बग्स वगैरह लग जाते हैं, तो उसको भी समय समय पे नीम के पत्तों को उबाल के और सिर्फ उसी का पानी अगर हम इनके ऊपर छिड़क देंगे तो कोई भी मिनी बग्स या कीड़ा इसमें नहीं लग सकता, और पत्तियों का कलर भी और अच्छा हो जाता है उससे। ये देखिए मेरे सभी प्लांटों की पत्तियों का कलर बिल्कुल हरा भरा है। और रही बात फर्टिलाइज़र की, तो मैं इसमें काउडंग का तो यूज़ करती हूँ, इसके साथ साथ मैं अपने किचन वेस्ट से बनी हुई खाद का भी यूज़ करती हूँ, और हर 10-15 दिन में मैं इसमें सरसों की खली का भी यूज़ करती हूँ, जिससे कि मेरे सारे प्लांट काफ़ी हेल्थी रहते हैं और मुझे इनसे अच्छे फ्लावर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मेरी बताई हुई अगर बातें आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।